हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की। कल हुए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 की फिल्में शामिल हैं। तो 2021 में रिलीज हुई बायोपिक वॉर ड्रामा फिल्म शेरशाह को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। डायरेक्टर विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया है। बाजीराव मस्तानी और गली बॉय के बाद ये तीसरी बार है जब रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। तो ये कुछ खास अवार्ड हैं जिन्हें इस साल हुए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया है। पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरिहारा वीरामल्लू की अपडेट आने वाली है। पिछले कई महीनों से पवन कल्याण की फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन अब फाइनली फिल्म की एक बहुत बड़ी अपडेट 2 सितंबर को 5:45 पर अनाउंस की जाएगी। हरिहारा वीरामल्लू एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे क्रिस जगराल मुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी। मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म पोनियिन सेल्वन का ट्रेलर 6 सितंबर को आने वाला है। 6 सितंबर को ये ट्रेलर तमिल के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगा। ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी। क्रिस्टोफर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी 6 सितंबर को शाम 6 रिलीज होगा। मम्मूटी की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बी उन्नी कृष्णन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म साल के एंड तक रिलीज होगी। और 9 सितंबर को समांथा रुद्र प्रभु की अपकमिंग फिल्म यशोदा का टीजर आने वाला है। यशोदा एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जिसे हरीश शंकर और हरीश नारायण ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 12 अगस्त को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हो सकता है 9 सितंबर को फिल्म के टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की जाए। कुणाल खेमू को तो आप सब जानते ही होंगे, सैफ अली खान के जीजाजी। पिछले कुछ दिनों से कुणाल खेमू की एक भी फिल्म नहीं आई है। पिछली बार वो बड़े पर्दे पर 2020 में नजर आए थे। तो एक्टिंग के बाद अब कुणाल खेमू डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कुणाल खेमू एक फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मड़गांव एक्सप्रेस। फिल्म को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूस करेंगे। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द फिल्म की और अपडेट आने वाली है। बॉलीवुड की तरफ से बहुत जल्द एक नई बायोपिक की घोषणा होने वाली है जिसमें सुष्मिता सेन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन कहा गया है कि बहुत जल्द फिल्म से जुड़ी और अपडेट आने वाली है। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज जमतारा सीजन 2 का ट्रेलर कल 1 तारीख को रिलीज होगा। ये सीरीज 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म निकिता रॉय में अर्जुन रामपाल भी नजर आएंगे। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। पिछले कई दिनों से रूमर्स आ रहे हैं कि अक्षय कुमार की एक और फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। कहा जा रहा था कि सुरराय पोत्रो का हिंदी रीमेक कठपुतली फिल्म की तरह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये रूमर गलत है और ये फिल्म पहले थिएटर में ही रिलीज होगी। जी हाँ, वैसे तो कठपुतली फिल्म के बारे में भी कहा गया था, लेकिन अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। देखते हैं सुरराय पोत्रो के हिंदी रीमेक का क्या होता है। गोडजिला और कॉन्ग से जुड़ी दो बड़ी अपडेट आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहली खबर तो ये है कि किंग कॉन्ग के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बनने जा रही है। जी हाँ, डिज्नी प्लस किंग कॉन्ग के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा है जिसकी शूटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी। दूसरी तरफ एप्पल टीवी प्लस गोडजिला के ऊपर एक सीरीज बना रहा है जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छी बात है, लेकिन एप्पल टीवी वाले बना रहे हैं तो मुश्किल ही है कि ये सीरीज हिंदी डब में देखने को मिले। पर कॉन्ग की जो सीरीज आ रही है वो हमें हिंदी में भी देखने को मिलेगी। ब्रैड पीट की एक्शन थ्रिलर फिल्म बुलेट ट्रेन बुक माई शो पर आने वाली है, पर अभी इस फिल्म के लिए हमें 1 महीने से ज्यादा इंतजार करना होगा। बुलेट ट्रेन फिल्म 6 अक्टूबर को हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में बुक माई शो पर रिलीज होगी। और एक विलेन रिटर्न्स की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। डायरेक्टर मोहित सूरी की ये फिल्म जुलाई में रिलीज हुई थी जिसे करीब 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 63 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। तो अब ये फिल्म 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। तो आप में से किस किस ने इस फिल्म को देखा है और आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।